गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली, और काफी हद तक आप एंजॉय करो कल का दिन, आज का दिन, और वैसे भी 1 तारीख को हमारा रिजल्ट आउट होने वाला है, तो अभी एंजॉय करो, ज्यादा इतना लोड मत लो। मेन ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था, कल से मेरे को बहुत मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग SBI क्लर्क की एग्जाम डेट को लेके, सो उसी को लेके बात करूंगा। चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे, जेन्युइन लगे तो जरूर लाइक भी करना और शेयर भी करना, और टेलीग्राम का ग्रुप है नितिन का निरीक्षण, उसको ज्वाइन कर लेना। गाइस कल से मुझे मैसेज आ रहे थे, वो ये आ रहे थे कि भाई कोई बोले 29, 30 में और 6 जून के लिए TCS आयन बुक किया गया क्या SBI क्लर्क प्री को। टू बी ऑनेस्ट कोई आइडिया नहीं है। हाँ ये है श्योरिटी कि नेक्स्ट वीक तक आपकी SBI क्लर्क की नोटिस आउट होने वाला है, ये चीज में कंफर्मिटी है, मगर एग्जाम डेट उसकी कोई कंफर्मिटी नहीं है। बीइंग एन एस्पिरेंट मैं 2 तरीके सोच सकता हूं। एक तरीका ये कि मैं सोचूंगा कि क्या फालतू की रोज बकवास हो रही है, इवन दो मैं खुद भी बोलूंगा कि भाई मुझे भी क्या बकवास करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं और ना ही आप लोग का टाइम वेस्ट करूं। बट जो ये रोज के मैसेज आते एक एक को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए तो मैं सोच सकता हूं कि भाई क्या रोज की ये खोलो चैनल, SBI का ये आ रहा है, SBI का वो आ रही है, SBI की डेट्स आ चुकी है, मैं भी खुद फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। पॉजिटिव मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा भाई यदि ये एग्जाम 29 में, 30 में या 6 जून को है तो कहीं ना कहीं आज है 28 मार्च और मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का समय है, और 2 महीने का समय यदि ये न्यूज सही है तो मैं 29 मई या 30 मई को या 6 जून को अपनी एग्जाम देने वाला हूं, और उस हिसाब से मेंस मेरा जुलाई में होगा। और कहीं ना कहीं बात करूं मैं यदि SBI क्लर्क की यदि नोटिस अप्रैल में आउट होता है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस काफी हाई है कि एंडिंग मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो बीइंग एन एस्पिरेंट मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि भाई मेरे पास समय काफी कम है, मैं पढ़ाई रखता हूं अपनी प्री के साथ साथ मेंस की भी, बाकी यदि न्यूज अच्छी हुई सही हुई तो मेरे फायदे की, नहीं हुई तो जय राम जी की, चूल्हे में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड चीज गाइस मुझे आपको ये पूछनी थी आपसे कि मैं सोच रहा हूं कि फ्रॉम 2 अप्रैल मैं आप लोग के लिए रोज का 1 मिनट का एक टाइम टेबल टाइप का सेट कर दूं, रोज का हर डे का, कि रीजनिंग में क्या करना, GA में क्या करना, मैथ्स में क्या करना और इंग्लिश में क्या करना, और रात को यही टाइम टेबल अपने ग्रुप पर भी शेयर कर दूं, ताकि एक टाइम टेबल सेट होगा तो आप रोज का पढ़ोगे उस हिसाब से। यदि ये इनिशिएटिव सही लगे तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं अच्छा लगे तो भी बोल देना भाई कोई जरूरत नहीं करने की, तो मैं भी नहीं करूंगा। बाकी यदि वीडियो जेन्युइन लगी हो, अच्छी लगी हो, काम की बात समझी हो तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम ग्रुप नितिन का निरीक्षण को ज्वाइन करना। वंस अगेन हैप्पी होली, बिल्कुल एंजॉय करो, गुजिया खाओ और बिंदास रहो। बाकी 1 तारीख को मिलता हूं SBI IBPS क्लर्क में इसके रिजल्ट को लेके, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, राम।